कई बार माताएं पूछती हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशी नहीं है, दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल नहीं रहा, बहुत सारे समस्याएं हैं, हमेशा बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, पति से वो सम्मान वो प्रेम नहीं मिलता, परेशान हो जाती हैं। देखिए आज हम आपसे आपको कुछ उपाय बताते हैं जिसको करने से आपका दाम्पत्य जीवन प्रसन्नतापूर्वक रहेगा, कभी झगड़े नहीं होंगे। इसलिए ये कुछ उपाय आप कर लीजिए और आप स्वयं फर्क आपको पता चल जाएगा। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आप खुश नहीं हैं, प्रसन्न नहीं हैं, तो एक काम करिए, जब आप सोते हैं, आपके पति जब सोते हैं, तो पति के सिराने पर एक चुटकी सिंदूर रख दें और उसके बाद में जब आप सुबह पलंग से उतरने से पहले, उठने के बाद पलंग से उतरने से पहले वो सिंदूर को अपने मांग में भर लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुधर जाएगा, दाम्पत्य जीवन अच्छे से चलने लगेगा। ये ज़रूर आप कर लें ये उपाय। और दूसरे नंबर में आप ये भी कर सकते हैं, अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आप एक दूसरे में बात नहीं बन रही, बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हो रहा है, तो पत्नी अपने हाथों में पीली चूड़ी धारण करके रख लें। पीली चूड़ी हमेशा पहने तो आप दोनों में प्रेम संबंध अटूट बन सकता है, ये भी आप कर लीजिए। और तीसरे नंबर में यदि विवाहित स्त्री अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, यदि विवाहित स्त्री हर रोज़ दुर्गा चालीसा पाठ कर लें और उसके बाद में माँ दुर्गा के 108 नाम जाप कर लें, 108 बार जाप कर लें, माला जाप करिए या फिर 108 दुर्गा माता के नाम जाप करिए, ये रोज़ करिएगा, दुर्गा चालीसा रोज़ पाठ करिएगा, माँ जगदम्बा का कृपा होगा, दुर्गा माता की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, ये भी अवश्य करके देखिएगा। और उसके बाद में विवाहित स्त्री अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हर रोज़ केले के वृक्ष का पूजन करें, हर रोज़ केले का वृक्ष का पूजन करें और उसके बाद में किसी वृद्ध को, सुहागिन को आप सौभाग्य की आशीर्वाद लें, सुहागिन को प्रणाम करें, वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद लें, वृद्ध जन को प्रणाम करें और आप सौभाग्य की आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जब बड़ों को प्रणाम करते हैं तो सौभाग्यवती भवा, ऐसे जब बड़ों के मुंह से निकलता है तो वास्तव में उस नारी को सौभाग्य का वरदान मिलता है, इसलिए वृद्ध जन को प्रणाम करो। ये जो मैंने कुछ उपाय बताए इसको ज़रूर करिएगा ताकि आपके दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो। बाकी गुण आप में होने चाहिए, आप जिस प्रकार से एक परिवार में रहना चाहिए उस प्रकार से आप रहें, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। प्यार से बोल दीजिएगा।